अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से होंगे? हम भी खैरियत से हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रही होंगी। हम रोटियां बना रहे हैं, आप भी काम कर रहे होंगे, हम भी काम कर रहे हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, घर के काम करते हैं, बाहर के काम करती हूँ, सब्जी भी ले आती हूँ, तो पानी भी प्लांट से भर के लेके आते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, तो हम इतनी महंगाई से थक गए हैं। बहुत महंगाई है, सब्जी लेने जाओ तो 100 रुपए के काम नहीं आती 1 किलो। जो चीज़ पूछो जो बहुत महंगी होती है, गोश्त लेने जाओ तो वो महंगा, सब्जी लेने जाओ तो वो महंगी। थोड़ा सा पानी को बॉयल कर और क्या करते हैं हम, कपड़े भी सीते हैं, सब कुछ करते हैं, लूँ। सारा दिन काम काम काम, फिर थक भी जाते हैं। तो मुर्गी लेने गई तो मुर्गी भी बहुत महंगी थी, तो हमने कहा मुर्गी का सालन बनाते, फिर मुर्गी बनाई नहीं, ऐसे रख दिए। मैंने फिर गोश्त ले के आई तो गोश्त की कढ़ाई बनाई। अब देखो हमारी कढ़ाई पक रही है, ये भी अच्छी लगेगी आपको, आप भी बनाते होंगे। आज हमारी भी बनती, देखो इतनी खूबसूरत बनती है, बहुत मज़े की होती है ये वाला सालन जैसे हम बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सालन को देख कर फिर बताना आप लोगों को, अच्छी लगे तो मुझे फिर ये भी बता देना। हाँ भाई, ये अच्छी है वीडियो पर। अब देखो हम काट रहे हैं टमाटर, वो टमाटर डालेंगे साबित, इतने नहीं डाले, आधे आधे करके डाले हैं, ज़्यादा कचूमर भी नहीं किया। ये हमारे थोड़ी देर बाद ये पक जाएगी हमारी सालन, फिर हम बनाएंगे रोटी, खाएंगे मज़े मज़े से, सब बच्चे भी आएंगे, सभी खाएंगे, बैठ के दस्तरखान लगाएंगे टेबल पे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत ही काम करते हैं। पहले मैंने कपड़े धोए हैं, इसको थोड़े आंच पे ठहरा के गई हूँ, तो अब आके बैठी हूँ। मैंने कहा अब इसको बना लूँ, फिर रोटी बनानी है, रोटी बना के बच्चे एकेडमी जाएंगे, एकेडमी छोड़ूंगी बच्चों को, फिर छोटे मोटे काम होंगे तो वो भी करूँगी मार्केट के। देखो अब हमारा ये पानी थोड़ा सा बच गया है, खुश्क हो जाए इसको भुनी देते हैं, ये टमाटरों का छिलका उतार के बाहर निकाल देते हैं हम। ये टमाटर का छिलका जो है सेहत के लिए भी ख़राब है, जिसको पथरी हो ना उसके लिए, ख़ास तौर जो गुर्दों की पथरी है उसको ये टमाटर का छिलका उतार के सालन में डाला करो, टमाटर का छिलका ना हो सालन में, ये पथरी देता है। मैं तो ऐसे करती हूँ, जब छील के डालती हूँ ऐसे, मतलब साबित डाल छो आधे आधे करके, तो फिर इनका उतर आता है छिलका। जब फ्रीज़र में रखो तो वो भी जल्दी उतरता है छिलका, ये ऐसे सालन में पहले डाल लो ना आधे करके, वो भी उतर आता है। कचूमर कर लो तो वो तो छोटे छोटे हो जाता है छिलका, तो ऐसे भी जल्दी नहीं उतरता है, और सब्ज़ी का जल्दी उतर जाता है। तो आप लोग, तुमको बता रही हूँ ना, इनका छिलका उतार दिया करो टमाटरों का, जो गुर्दों वाले पथरी पथरी वैसे गुर्दे की हो या पित्ते की हो वो अच्छी नहीं होती पथरी, पथरी बहुत तकलीफ देती है। जिसको पथरियाँ होती हैं वो इतना दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है गुर्दे वाले पथरी, गुर्दे की हो या पित्ते की हो, जहाँ पे भी हो, जब मसाने की हो, वो भी तकलीफ देती है पत्ते को। टमाटरों का छिलका उतार लिया करो, फिर नमक भी कम डाला करो, जिसको पथरी हो वो नमक भी ज़्यादा ना खाए, तो वो तो नुकसान होता है गुर्दों के लिए भी, और जिसको शुगर हो उसके लिए भी। अब मैं डाल रही हूँ दही, दही सबसे अच्छी है, टमाटर से भी अच्छी है, टमाटर महंगे भी बहुत हैं।
आज कितनी अच्छी अच्छी बन रही है देखो हमारी साला, बड़ी खूबसूरत पक के आएगी हमारी साला माशाल्लाह। तैयार हो गई है? बहुत बहुत काम करती हूँ फिर थक जाती हूँ। एक तो मैंने चूजे रख लिए हैं, चूजे भी बड़े तंग करते हैं, कभी उसको दाना डालो, कभी उसको पानी डालो, कभी उसका ख्याल करो है कौवा न ले जाए, कभी उसको का ख्याल करो बिल्ली न लेके जाए, बहुत तंग करते हैं सारा सारा दिन। फिर उसको दाना डालना तो पानी देना, वहाँ उसके पिंजरे का भी मैं कह के आई थी वो भी उठाना है, वो भी उठा के लेके आएंगे, वो भी बहुत महंगा था पिंजरा भी मुर्गियों का, मैंने कहा गर्मियों में उसमें रहेंगे, ये जो जिसमें रखे हुए हैं ना वो छोटा सा है पिंजरा, वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है, मैंने ऐसे डाल दिया था छत पे, वो बारिश लगी पानी लगा सारी लकड़ी खराब हुई थी, जाली भी उसकी ख़राब हो गई। बहुत काम करती हूँ मैं, थक जाती हूँ शाम को। अब देखो हमारी सालन कैसे मज़े की तैयार हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सालन खाएंगे फिर बच्चे भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे हमने बहुत मज़े की सालन बनाई है। इसको स्मोक दूंगी, कोले रखे हुए थे आग पे, वो जलेंगे तो फिर उसी की स्मोक देंगे, बच्चे वो बड़े शौक से खाते हैं। आपको दिखाती हूँ, थोड़े से कोले जल जाए इकट्ठे कर लो, आप मुरी में डाल लिए, अब देखना बड़े मज़े की होती है ये वाली सालन। आप भी बच्चों को बना के ऐसे दीजिए। अब देखो मैं खाना तैयार कर रखा है बच्चों के लिए, बच्चे आएंगे खाएंगे बड़ी मज़े की। अब लस्सी भी बना ली, चटनी भी बना ली, सलाद भी बना लिया, सब कुछ आ गया, रोटी भी आ गई, बच्चे भी बैठेंगे खाने के लिए। ख्याल रखना, दुआई में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।